अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ जाफरी और आप देख रहे हैं ऑन द गो विद जाफरी। मैं मौजूद हूं इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में और उसके एक शहर मिल्टन कीन्स में। मिल्टन कीन्स काउंटी बकिंगहमशायर का एक शहर है और ये 50 मील दूर है नॉर्थ वेस्ट लंदन से, लूटन और नॉर्थहैम्पटन के दरमियान। बहुत मशहूर है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और राउंड अबाउट की वजह से। तो हम ड्राइव कर रहे हैं, राउंड अबाउट देखेंगे, इधर के रोड्स देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इधर क्या क्या। मिल्टन कीन्स जो है वो 50 साल पुराना शहर है, तो इस लिहाज से नया शहर है। इससे पहले जो होता था ये 3-4 टाउन थे इसमें छोटे छोटे, स्टोनी, स्ट्रेटफर्ड, वुलवर्टन, ब्लेचली। ब्लेचली बहुत मशहूर है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। ब्लेचली वो एक्चुअली जगह है जहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू में जो वॉर के कोट तोड़े गए थे वो उधर ब्लेचली में तोड़े गए थे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और 33 डिग्रीज टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। दोस्तों ये देखें, मैं खड़ा हूँ फर्स्टन लेक पे जो कि मिल्टन कीन्स यूके में मौजूद है। और हाँ, मैं बताना भूल गया आपको, मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन भाई जो कि मुझे यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। ये थोड़ी सी ड्राइव मैंने की है, थोड़ी सी ड्राइव ये कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट ड्राइविंग है, तो थोड़ी फास्ट भी है, तो राउंड अबाउट का चक्कर भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं हम क्या जान सकते हैं इस सिटी के बारे में। ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर जो है ना वो स्पीड लिमिट होती है आपकी 30 miles per hour, 50 kilometers per hour, ठीक है। मिल्टन कीन्स में ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो रोड्स पे स्पीड है वो नेशनल स्पीड है, यानी कि 70 miles per hour राउंड। कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है कि 30 miles per hour चलाएं 40 miles, लेकिन जो ऑल सिटी है, जो जनरल सिटी है, उस पूरे में आप 70 miles per hour आप चलाते हैं तो बहुत फास्ट ड्राइव होगी। लेकिन क्योंकि 130 के करीब राउंड अबाउट है तो बार बार आपको रोकना पड़ती है, लेकिन बहुत फास्ट ड्राइव है। और राउंड अबाउट से भी आपको फौरन निकालना पड़ता है क्योंकि आपको क्विक एक्शन लेना पड़ता है राउंड अबाउट। Thank you.
दोस्तों मौजूद हूँ मिल्टन कीन्स सेंटर में। बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, मोर देन 1000 ब्रांड्स हैं इस अंडर द वन रूफ, और काफ़ी लंबी वॉक भी है। बहुत मशहूर है पूरे यूके के अंदर, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे मिल्टन कीन्स में शॉपिंग करने के लिए आते हैं। आए मेरे साथ। भैया एक बात बता दूं कि मिल्टन कीन्स जो है वो होम है बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ का। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डोमिनोज, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और बहुत सी ऐसी कंपनी। और एक और बहुत अहम चीज़, आपने शायद नाम सुना हो, WD-40, एक लुब्रिकेंट आता है जो हर जगह गाड़ी मैकेनिक घरों के लिए हार्डवेयर में यूज़ किया जाता है, वो मिल्टन कीन्स की पैदावार है। और उसकी ख़ास बात ये, वो वर्ल्ड फेमस लुब्रिकेंट है और वो सिर्फ 6 लोगों को उसका रेसिपी मालूम है, और वो 70% लोग जो हैं मिल्टन कीन्स में वो नौकरी पेशा हैं। यहाँ पर नौकरियाँ बहुत हैं। 8.3% लोग जो होंगे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो भी ज़ाहिर काम ही कर रहे हैं, तो बहुत इधर मौके हैं नौकरी के। जी दोस्तों, ये है इसके अम्यूज़मेंट सेंटर है ये। इधर बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं अंदर। स्पेशली जो इधर की ख़ास बात है वो है इधर इंडोर स्काई डाइविंग और इंडोर स्कीइंग। पूरे साल इंडोर स्कीइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो अंदर जाके देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। कई जगहों पे गए COVID-19 यूके में, बहुत ज़्यादा एहतियात है। अभी मैं विदाउट मास्क पहन रहा हूँ। 47,000 से ज़्यादा डेथ हैं यहाँ पर यूके के अंदर, और बहुत बड़ी रूमर है कि यहाँ पर सेकंड वेव आ रही है, तो यहाँ पे एहतियाती तदाबीर दोबारा से शुरू हो गई है। पेट्रोल के प्राइसेस देख लें, पेट्रोल खुद डालना पड़ता है सब जगह पर, बंदे नहीं खड़े होते यहाँ पर, खुद डालना है सबको उतर के, अंदर जाके पैसे दे के आने। दोस्तों मौजूद हूँ मैं विलन लेक पे। विलन लेक जो है 5 किलोमीटर लॉन्ग लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, और ये 3 to 5 meters डीप है, और यहाँ पे लोग वाटर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। यहाँ पर प्लेग्राउंड्स और बहुत सारे फन की चीज़ें यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, बहुत बेहतरीन जगह है।
चीज़ की सबसे अहम चीज़ जो है ना वो आजकल बहुत मशहूर है, वो है डिलीवरी रोबोट। रोबोट से डिलीवरी हो रही है यहाँ पे। तो मैं दिखाऊँ यहाँ पर कैसे डिलीवरी हो रही है, मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा है। यकीनन आपको और भी बहुत सारे रोबोट हैं ये, और देखें जगह जगह खड़े हुए हैं ये रोबोट, ये देखें इधर भी कुछ खड़े हुए हैं, ये देखें